तो हाय एवरीवन, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। असाइनमेंट नंबर 8 का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसमें साउंड क्वालिटी सही नहीं है। साउंड काफ़ी बुरा सा साउंड है, या इनफैक्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा कि ऑलरेडी असाइनमेंट 8 सॉल्व हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है तो डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। सो तुम लोगों को तो मालूम ही है कि वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स। बाहर निकाला टू का स्क्वायर रूट रूट टू और कॉस स्क्वायर का कॉस एक्स। तो ये जस्ट आपको जो क्वेश्चन दिया था ये सब्सिट्यूशन पे बेस्ड नहीं था, बट इसमें जो था आपको सेक एक्स का फॉर्मूला लर्न करवाना था। तो याद है ना, सेक एक्स के फॉर्मूले हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में किए थे। दो फॉर्मूले होते हैं, ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x होता है, या तो tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस x बाई टू होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला लर्न करने के पर्पज से दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर बच्चा समझदार है तो जरूर बोलेगा कि 10^x मतलब a^x, और जिसका डेरिवेटिव होता है a^x इंटू log है, वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, और एक्स रेस टू टेन, ठीक है, जिसका एक्स रेस टू एन के फॉर्म में होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, टेन एक्स रेस टू नाइन, ये यहाँ पे डेरिवेटिव रखा है। तो कभी भी मैंने जैसे तुम लोगों को क्या बताया कि डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होता है, प्रोवाइडेड वो लॉग नहीं होना चाहिए और इनवर्स फंक्शन नहीं होना चाहिए। लॉग और इनवर्स और रूट का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में जाता है, बाकी तो मेजॉरिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है। अच्छा, मैंने एक फार्मूला बार 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 हाईलाइट किया है कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, आप ये फार्मूला लिखो कि ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, और डायरेक्टली आप लिख दो, सब्सटीट्यूशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइन टू एक्स अपॉन साइन फोर एक्स। तो ये फोर एक्स देख के मुझे याद आया कि 2x और 4x इसका आधा है, तो साइन ऑफ हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी मुझे लगानी पड़ेगी। तो कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन कॉस और एंगल में आधा आधा एंगल लिख दिया मैंने, 2 साइन कॉस आधा आधा एंगल 2x 2x, ये कट गया 1 बाई टू बाहर लिया sec 2x का। अब sec 2x का हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर ये 1 बाई टू एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ऑलरेडी एक जो 1/2 था वो तो आपने लिखा था। तो याद करो, मैंने बोला था कि जब भी यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे x होता है तो वहाँ पे 1 होता है, डिवाइडेड बाई नहीं करते, बट बाकी कुछ भी होगा तो डिवाइडेड बाई हमें करना जरूरी है, डिवाइडेड बाई करना यहाँ पे कंपलसरी है, डिवाइडेड बाई 1/2 हमें करना कंपलसरी है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 करना है, जैसे 1/2 मैंने लिखा है। सो ये हो गया 1/4। अच्छा, कोई कहे कि सर वो ln tan वाला लगाते हैं, तो tan पाई बाई फोर प्लस ये जो भी एंगल है उसका आधा, वहाँ पे x था तो x बाई टू लिखा है, यहाँ 2x है तो 2x बाई टू लिखेंगे प्लस c। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ वन में tan x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको मैंने वैसे तो रेगुलर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर करके बताया था कि भाई अगर तुमने tan x को t लिया तो क्या होगा, ठीक है, फिर अगर tan स्क्वायर x को लिया तो क्या होगा, 1 माइनस tan x tan स्क्वायर x को लिया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट विजिबल है। तो मुझे एक चीज़ दिख रही थी कि अगर मैं tan स्क्वायर को t लेता हूँ, tan स्क्वायर को t, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, पहले तो स्क्वायर का तो आएगा 2 tan x, फिर टैन का आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, तो टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो दे रखा है, सिर्फ जो ये 2 है वो नहीं था, और साथ में अगर कांस्टेंट भी इंक्लूड कर दिया जाए 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, तो 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो कांस्टेंट अगर साथ में फंक्शन के लिख दो तो चलता है, तो ये माइनस 2 आ गया। तो मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और तब इसे अरेंज कर दिया, ठीक है, तब मैंने इसे अरेंज कर दिया, माइनस 1/2 किया और ये हो जाएगा, ये हमने t लिया था और ये उसका डेरिवेटिव dt, तो dt तो ये यू हो जाएगा माइनस 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, और ये आ गया आंसर। ओके, अब हम चलते ये वाला प्रॉब्लम, साइन रेस टू 5x।
फिर इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर सपोज करो साइन रेज टू 5x है तो प्रोसीड कैसे करेंगे, तो मैंने इसे साइन एक्स इंटू साइन रेज टू 4x में लिख दिया। क्यों? कभी भी ऑड पावर हो तो इवन इंटू ऑड में लिखो, इवन इंटू एक, ऑड मतलब एक साइन एक्स या कॉस एक्स बाहर आएगा, ठीक है, एक साइन एक्स या कॉस एक्स बाहर आएगा। अब इसका इसे हमने क्यों ऐसे लिखा है, बिकॉज साइन जो भी इवन पावर होगी, चाहे वो 6 हो चाहे वो 8 हो, तो इसको साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, या अगर पावर 6 है तो क्यूब, ऐसे करके लिखेंगे, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, इसलिए मैंने कॉस एक्स को टी लिया, उसका डेरिवेटिव -sin(x dx) = dt। अब मैंने यहाँ पे पुट किया, नॉर्मली ब्रैकेट ओपन किया, होल स्क्वायर, अच्छा अंदर लीनियर तो नहीं है, अंदर तो स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसको मुझे एक्सपांड करना पड़ा, इसे मुझे एक्सपांड करना पड़ा, ठीक है, ये मैंने एक्सपांड किया। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रॉब्लम tan³(x dx). तो मैंने इसे ब्रेक किया tan²(x)·tan(x) में। रीजन क्या था कि tan²(x) को sec²(x−1) लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जब इसका री मल्टीप्लाई करोगे, अंदर वापस ब्रैकेट में डालोगे, तो tan(x) ये पार्ट का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली अवेलेबल हो गया, ठीक है, और ये पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कि tan(x) को अगर t माना तो sec²(x dx) उसका dt हो गया, और t का इंटीग्रल t²/2, और एक बार ये जो आंसर आ जाए तो रिपुट यहाँ पे कर दो, ठीक है, रिपुट कर दो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था लेक्चर नंबर 8 जो मैंने बनाया था, काफ़ी चीज़ें, मतलब 1.5 घंटे का वो लेक्चर चला गया था। अनफॉर्चुनेटली साउंड क्वालिटी थोड़ी उसकी गलत हो गई, ठीक है, बट ऑलरेडी सॉल्विंग करके रखा है तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। अब tan²(x) कभी भी tan का इवन पावर है तो एक tan स्क्वायर करो, एक tan स्क्वायर करो, और बाकी जो भी बचा हुआ पावर है, जैसे 6 है तो 4 पावर यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे 10 है, तो 8 पावर यहाँ पे, 2 यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस tan²(x) को आप ब्रेक करने वाले हो sec²(x−1) में, और जैसे ब्रेक करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट तो आपका डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर tan(x) को t लिया तो ये उसका dt है, और जो आगे वाले पार्ट है उनमें वही सेम करना होगा, ठीक है। tan स्क्वायर है इसलिए डायरेक्टली मैंने sec²(x−1) लिख दिया, ब्रैकेट खोला, sec² का हो जाएगा tan(x), dx का हो जाएगा x, और इसे मैंने अगर t माना है, tan को मैंने t माना है, यूं कि tan(x)= t, तो sec²(x dx) = dt। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल t³/3 हो जाएगा, जो tan³(x)³ हो जाएगा। क्लियर हुआ? 8th में जाएंगे, sec²(x)·tan(x). अब बहुत बच्चों को लगता है कि इसको sec²(x)·sec²(x) लिख के फिर एक sec²(x) को 1 + tan²(x) लिख दें और एक sec²(x) को वैसे ही रहने दें, एक sec²(x) को हम वैसे ही रहने दें, फिर tan(x)t मानेंगे तो हो जाएगा, तो वो भी एक तरीका सही है, बट बेटर था sec²(4) था ना, एक sec(x) को बाहर कर दिया, और मैंने देखा कि sec(x)tan(x) आ रहा है, जो sec(x) का डेरिवेटिव होगा, sec(x) का डेरिवेटिव होगा, तो sec(x)= t, तो देयरफॉर sec²(x)·dx=dt। अब मैंने यहाँ पे पुट किया t³dt, तो आंसर आ गया t⁴/4 + c, ठीक है, t⁴/4 + c। अब t जो भी मैंने माना था पुट कर दिया, tan³(x)·sec²(x dx). अच्छा, अब बहुत बच्चों को लगता है चलो tan को मान लेते हैं t, तो tan को मानोगे तो sec² उसका डेरिवेटिव होगा, sec² स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, तो इसलिए मैंने एक tan को साइड कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके साथ, और एक tan²(2x) हो गया, sec²(2x−1) मैंने इस tan को लिखा है, tan²θ इज sec²θ−1। जब मैंने लिखा तो मुझे पता चला कि अगर मैं यहाँ पे sec को t मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव पहले sec का आएगा, sec·tan, आगे का एंगल एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि मैं डायरेक्टली इसकी जगह पे dt लिख दूँ, और यहाँ पे t²−1 लिख दो, और t² का इंटीग्रल t³/3, और 1 का t, तो यूं आ गया इनका आंसर।
बट ऑब्वियस एक्सप्लेन करने का मजा कुछ अलग होता है और एक्सप्लेन किया हुआ पढ़ाने का मजा थोड़ा सा अलग होता है, मजा नहीं होता है, बिल्कुल एक तरीके की सजा होती है। हाँ, ये जब क्वेश्चन आया था तो मैं इतना कंफ्यूज था क्वेश्चन देखकर कि अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, तो मैंने क्या किया था ना, ब्रैकेट खोल दिया था, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोला था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ब्रैकेट खोलने के बाद मैं ये स्टेप जाकर अटक गया था कि अरे यार अब क्या करूँगा। फिर मुझे समझ में आया कि यार बाकी सब तो ट्रिग्नोमेट्री ये एक नंबर है और वो भी वन है, तो आइडेंटिटी यूज कर देते। तो आइडेंटिटी मैंने वन को लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये वन को लिखा। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो मुझे आ गया टैन स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये 2 sec x tan x, और हो गया a² + 2ab + b² जो a + b का होल स्क्वायर हो गया, जो sec x + tan x हो गया। sec x का इंटीग्रल आ जाएगा ln of sec x + tan x, और tan x का ln of sec x। अब इसके आगे आप प्रोसीड करना चाहते हो तो करो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ओके, ये क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि तो बारी बारी से करके, कि अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसे किया कि चलो मान लिया कि sin x = t, तो cos x dx = dt, तो बच्चे को लगता है cos x है, अरे लेकिन dx ऊपर है, आप ध्यान दो, dx ऊपर है, dx ऊपर है, dx साथ में होना चाहिए। तो आपका जो मानना है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं cos x की जगह पे dt लिख देते हैं, इसको तो भूल भी जाते हैं और फिर अपने धुन में सॉल्व करना चालू कर देते, वो गलत होता है। फिर मैंने इसी तरह बताया था कि अगर जैसे साइन एक्स को टी नहीं मान सकते, वैसे cos x भी मत मानो। अच्छा, कोई बच्चा बोले टैन एक्स को टी माना, तो टैन एक्स के लिए तो सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स कैसे बनाओगे? तो मैंने डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया था, एक कॉस कट गया, यहाँ पे टैन एक्स आ गया, यहाँ पे √tan x, ये सेक स्क्वायर एक्स। तो जैसे ये मैं लिख दूँ कि √a/a क्या होता है, तो सिंपली है, ये कट जाएगा और इधर √a, तो इसी तरह इसका कैलकुलेशन भी हो गया। फिर मैंने अजम्पशन लिया कि टैन एक्स टी तो सेक स्क्वायर एक्स dx/dt, एंड दैट्स इट, आ गया। cos x - sin x / 1 + sin 2x, ये तो मेरा हर बच्चा जानता है, अब तो याद भी हो गया होगा, 1 + sin 2x, cos x + sin x² cos x + sin x² अब cos x + sin x को मान लिया t, तो cos x - sin x dx dt, तो ये dt/t² t^-2 फॉर्मूला लगाया और सारी वैल्यूज को मैंने डाल दिया। और मैंने एक चीज और भी बताई है कि अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सो इसके पहले हमने थर्ड वन कर लिया था, अब हम आ जाते हैं फोर्थ वन पे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्स है तो एक्स का मतलब, अगर एक्स है तो एक्स मतलब होता है √x/√x, तो यानी कि ये √x का स्क्वायर है, तो एक √x कॉमन ले लिया और पता चला कि अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो 1/2 √x dx/dt होगा, dx/√x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर dx/√x की वैल्यू निकालनी है 2dt यहाँ पे डाल दो, एंड दैट्स इट। टैन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है जो है नहीं, तो इसको मैंने साइन बाई कॉस करके एलसीएम ले लिया, इट विल रिड्यूस टू दिस। और मैंने यहाँ पे एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद cos + cos 2 cos हो जाएगा, और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन एक्स, क्यों? क्योंकि एक जगह ये टर्म इसको डिवाइड करेगा, कट के 1 हो जाएगा, और एक जगह ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा। फिर इसको ऐसे सेपरेट करते हो ना, i = ½ of cos x + sin x / cos x + sin x dx, यहाँ तो कटेगा, और एक जगह ऐसे ब्रैकेट डाल दो, और एक जगह cos x - sin x / cos x + sin x, तो एक जगह तुम ये करते हो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो ln में ln of डिनोमिनेटर आंसर होता है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 6, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6।
तो इसे कॉस बाई साइन करके आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कॉस बाई साइन करके आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेवन्थ में जाते हैं, मैंने बताया कि सेवन्थ और एट्थ एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन है और इसकी दो अलग अलग वर्किंग रूल से हम इसे कर सकते हैं। ये दोनों वर्किंग रूल मतलब दोनों क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल हो गया, ऐसा नहीं कि इसकी वर्किंग रूल अलग है इसकी वर्किंग रूल अलग है। ये वाला मेथड यहाँ भी लगा सकते हो, ये वाला मेथड यहाँ भी लगा सकते हो। उससे पहले ये समझते कि अगर a प्लस बी बाई सी है तो a बाई सी प्लस बी बाई सी, ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो हो सकता है, लेकिन अगर a अपॉन b प्लस सी है तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने इसलिए समझाया था कि अगर नीचे कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं एक्सपांड भी कर दूं cos a माइनस b लगा के, तो आप गलत हो, यही चीज ऊपर होती तो इसीलिए इसको ऊपर लाने के लिए इस पूरे टर्म को मैंने t ले लिया, इसका डेरिवेटिव dt आ गया, x का dx हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। एंड देन cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, और ये दोनों टर्म को ये नीचे वाला टर्म डिवाइड करेगा, तो एक जगह कॉस ए आएगा, लेकिन कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो टी हुआ, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी हुआ तो कॉस ए है तो बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, और एक जगह कॉस टी बाई साइन टी टैन टी हो जाएगा और साइन ए तो बाहर आ जाएगा, और फिर हमने उनके आंसर्स लिखेंगे। लेकिन दूसरे में मैंने समझाने की कोशिश की है कि एडजस्ट न्यूमरेटर एज पर डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पर x माइनस ए है, यहाँ पर भी x माइनस ए बनाओ, कैसे, बाई सब्ट्रैक्टिंग ए एंड एडिंग ए। ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का काम करेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन ओवरऑल साइन x माइनस ए, फिर डिवाइड किया, ये टर्म डिवाइड हुआ तो कट जाएगा, कॉस ए आएगा जो बाहर जाएगा, कॉस ए है, कॉस ए, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा इरेज ही कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए बाहर जाएगा, डी एक्स का एक्स हो जाएगा, और जहाँ पे कॉट एक्स माइनस ए है वो एल एन ऑफ साइन एक्स माइनस ए, कॉट का इंटीग्रल एल एन साइन, और ये साइन तो बाहर ही आएगा। फिर मैंने समझाया कि देखो ये एक तीन वैरायटी के क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द साइन आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉस आ सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ द साइन कॉस आ सकता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है चाहे दोनों कॉस है चाहे दोनों साइन हो, लेकिन अगर डिफरेंट है तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर को फिर डिनोमिनेटर की तरह एडजस्ट कर देंगे। तो फिर कोई बच्चा बोले कैसे, तो देखो ये क्वेश्चन है बरोबर, अब मैंने देखा कि ये दोनों सेम है, सेम है तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर मैंने इसको लिखा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब इसे अगर खोल के देखोगे तो माइनस एक्स गया और प्लस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है, वही बन जाएगा। फिर ये अल्फा और बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और डिवाइडेड बाई ये है, और फिर दोनों टर्म को डिवाइड किया, मतलब ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई दिस, फिर ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई दिस, तो एक जगह साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए रहेगा, एक जगह साइन एक्स माइनस ए कटेगा तो कॉट एक्स माइनस बी रहेगा, कॉट का इंटीग्रल एल एन ऑफ साइन एक्स माइनस ए, एल एन ऑफ साइन एक्स माइनस बी, एल एन मतलब लॉग अल्फा माइनस लॉग बीटा, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, तो ये मैंने समझा दिया। और यहाँ पे वन बाई साइन जो बाहर का था कॉन्स्टेंट टर्म उसे कोसेक लिख दिया। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो गया, कारण क्या था कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तो बड़ी अच्छी हुई थी, कुछ डेढ़ घंटे का वीडियो बना था, बहुत ही शानदार वीडियो था, बट मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें बताई थी कि चलो हम ऐसे सोच के देखते हैं, ऐसे सोच के देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी साउंड क्वालिटी सही नहीं थी, तो फिर मैंने वापस से ये जो आधा घंटे का मेहनत किया है और ऑलरेडी लिखा हुआ था तो उसी के बेसिस पे मैंने समझा दिया। अगर आप लोगों को न समझ में आए तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वापस से वीडियो अपलोड कर दूंगा विद बेटर साउंड क्वालिटी एंड वापस से रीसॉल्विंग। लेकिन अगर समझ में आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।